मैं तो निकल आऊंगा, लड़कियों से नहीं होगा। उनकी जो इतनी लंबी लंबी ड्रेसेस है ना, वो सारी खराब है। ये कौन है, इसका नाम क्या? हाय गाइस, बारिश के शूट सादा रखो ना ऊपर। छतरी छतरी अरे छाता लेके आओ। Just Karan and ma'am together. Are Raja ka on next thank you bike ka bolo fatafat chalo shoot kare take take inko photo take ready feel clear very good thank you.
song बहुत अच्छा है, बहुत catchy है, and I think it's something refreshing क्योंकि हर song में अभी rap हो रहा है और ये सब, which is cool too, but I think it's kind of nice to go back थोड़ा सा पीछे, where you know the songs were sweet and romantic, and so I like it. I like it. I think Aditi Singh has done a really good job with the song, and she's like family to us. और उसी के लिए कर रहे हैं. Yeah. But genuinely गाना बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाया है और बहुत ही अच्छा compose किया है. Yeah. और जो shoot भी हो रहा है वो बहुत ही moments पे है. It's a beautiful way of treating, and you know जो इसकी story है वो भी थोड़ी सी अलग है. And it's really nice. I mean people are gonna enjoy the song and enjoy the video as well. And Aditi is just such a talented singer. Matlab uska genres bahut alag alag hote hai, but I think this is now showing another side of her as well, just softness and sweetness, and you know the music and the lyrics are beautiful. Beautiful. रियल लाइफ में तो मैं पट गया था. मैं पहले शॉट में ही, मतलब मेरे को डायरेक्टर ने बोला अरे तेरे को नहीं हंसना है, मतलब नहीं स्मेल, मैं कहा हाँ सर ऊपर नहीं हो रहा है. सो या मैं थोड़ा सा ऐसे सीधा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ इस वीडियो में, और ये थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की, और यू नो वो जो मुझे तंग कर रही है लड़की, जो कि आजकल ऐसे ही होता है यू नो. बहुत बहुत सारी वीडियोज हमने देख ली जमानों से चल रहे हैं, जहाँ लड़का लड़की को का हाथ मोड़ रोड रहा है या लड़का लड़की को छेड़ रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है. Yeah. So, I think, women power. कैरेक्टर्स उल्टे हो गए हैं. मुझे शर्माने में बहुत दिक्कत आ रही है. बट अनुषा को डांस करते हुए अवॉइड करने में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिंग की जरूरत पड़ गई थी उस टाइम पे. बहुत क्यूट लग रही थी, मतलब I have a new crush on Anusha. Well, I have to say the same thing and I'm just very cheesy, I know. Yeah. But मैं हमेशा जब मैं करण का सेट्स पे आती थी, यू नो आई वुड ऑलवेज गेट सरप्राइज, कितना अच्छा एक्टर है यार, लाइक शॉक शॉक शॉक. पर आज जो उन्होंने वो एक शॉट दिया ना, आई वाज लाइक इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर लाइक दिस, कौन है? और मैं आती थी वो, वैसे भी हम जब लास्ट लाइक हम जब काम कर रहे होते, तो जैसे लव स्कूल पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो वो मतलब कंटेस्टेंट्स के साथ ये वो होस्टिंग बहुत होस्टिंग अलग होती है. वहाँ पे मतलब यू नो रियलिटी शो है, गालियाँ वालियाँ कितनी देनी पड़ती हैं. और आज पहली बार हम कुछ रोमांटिक उसमें काम कर रहे हैं. और तू ऐसे ऐसे ज़्यादा ड्रेसअप किया कर, नहीं तो ऐसे मतलब वो अजीब सी यू नो वो कपड़े से पहन के ऐसे वो, मतलब कौन से अजीब कपड़े नहीं पहनते. हाँ मेरा तो है, बट आई थिंक मेरे को मेहंदी से सख्त नफरत है. अगर होगा भी तो मेहंदी नहीं लगाना, मैं भाग जाऊंगा. वो बहुत लकी है कि मैं मेहंदी नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि काम पे अच्छा नहीं लगता ना जब वो होस्टिंग सब करते हैं, तो फेड होता है. नो बट नहीं बट करण एनीवे हेट्स मेहंदी, सो आई वोंट बी डूइंग इट फॉर एनीवनस शादी. मेहंदी लुक ये फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक फॉरएवर. Falguni Shane Peacock, and actually मैं stylist को बताया कि green बहुत अच्छा लगता है करण. झूठी दे रही हूँ, तूने green पहना था इसलिए. नहीं actually मैंने decide नहीं किया मेरा outfit पहले, उस actually it just happened like this, lucky us. बड़े बड़े शहरों में नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ. Okay, most awaited मेहंदी ceremony किसकी होगी आपकी? मतलब what did you next? Who's wedding are you looking up looking forward to? अभी बचे कौन है? कोई भी तो नहीं बचा, सबकी तो शादी होगी. सब सब तो हुआ अभी. यार मुझे अपनी सिस्टर की मेहंदी सेरेमनी करवानी है आज, मुझे लग रहा था ऐसे. मीनू या I want to go to Meenu's wedding. Come on, Meenu. No pressure. No pressure, Meenu. इसीलिए मैंने हम लोग ने सब जबरदस्ती अंदर बंद किया कि चल अंदर. और जब मैं अंदर थी 3 विकेट गए. और क्या,
फिर हमने उसको लॉक कर दिया, हमने कहा चल अंदर बंद करो इसको अंदर। I swear, और जब वो बोल रहे थे कि अंदर जा, मैंने ऐसा अंदर गए और यहाँ विकेट गिर गए। और एक पॉइंट पे जब ये बाहर आई तो उसने शॉट मारा, कैच पकड़ने वाला था पर कैच मिस हो गया, तो मैं हमें 100% यकीन हो गया था कि ये अंदर जाएगी तो ही विकेट गिरेंगे इंग्लैंड की। मैं आधा घंटा बैठी थी अंदर अकेले चुपचाप अंदर मैं गई भी। अरे देश के लिए करना पड़ता है, क्या फायदा था कि इंडिया लूज हुआ। तू थोड़ा ज्यादा पहले अंदर चली जाती ना। आदित्य ने बोला जल्दी से जल्द। वैसे भी हमने इंस्टाग्राम पे आधा गाना तो डाल ही दिया है। नहीं वेरी सून एडिट हो जाएगा क्योंकि शूट जो है वो बहुत प्यार से हो रहा है। वंस दिस हैपेंस देन यू नो जो भी चीज़ें होती हैं एडिटिंग, कलर करेक्शन, सॉन्ग की जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड देन इट बिकम्स अ सॉन्ग, और जल्दी आ जाना चाहिए। आई थिंक विद इन दिस मंथ इट शुड कम। You know, I think mehndis are the most fun part of a wedding. Yeah. So, isliye humko bahut maza aa raha hai yahan pe. And I think the best mehndi ceremony we ever went to is Priyanka's. Oh yeah. Priyanka and me. Best mehndi ceremony ever. She looked just beautiful. So, mehndis are so much fun. We're going to go back and have so much fun now. See you guys. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.